Hello everyone. Today's topic is IUPAC. So this is the last class of IUPAC. IUPAC की total हमने 5 classes में पूरा cover up हो चुका है. अब जो आज वाली class है ये last class है. फिर कल से हमारा जो syllabus होगा और उसमें जो hello arene और hello alkane वो chapter हम start करके हमारा जो syllabus है उसको continue करेंगे. ठीक है, तो IUPAC की सबसे लास्ट क्लास है. इसमें अपने अभी तक जितने भी नॉमनक्लेचर किए हैं, नामकरण किए, वो एलिफेटिक कंपाउंड के किए हैं. एलिफेटिक और एरोमेटिक मैं स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. एलिफेटिक कंपाउंड क्या होता है? एलिफेटिक कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें कार्बन श्रृंखला सीधी होती है, मतलब जिसमें खाली कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी, तो उनको हम किस में कंसीडर कर लेंगे? एलिफेटिक में. और दूसरे होते हैं एरोमेटिक. एरोमेटिक मतलब क्या होगा? जिसमें ये बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है और इनके ऊपर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, ये सबसे फर्स्ट क्लास में इलैबोरेट किया हुआ है, तो आप लोग वहां से देख लेना. अब आज जो हम लोग नॉमनक्लेचर करेंगे या जो नामकरण करेंगे, हम लोग किसका करेंगे? एरोमेटिक का, क्योंकि एलिफेटिक का तो हमने बहुत सारी क्लासेस अभी तक हमने सारा जितना भी डिस्कशन किया है वो एलिफेटिक कंपाउंड के बेसिस पे, प्लस उनके नेम IUPAC एवरीथिंग हम जितना भी सारा बात किए खाली एलिफेटिक के बात में की, इसके बारे में बात की. तो अब आज जो है ये खाली एरोमेटिक वाला है, इसका नामकरण करके फिर IUPAC को ये पे खत्म करते हैं. ठीक है, तो IUPAC में आज हम क्या पढ़ेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड का नामकरण, एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण. इंग्लिश में क्या हो जाएगा? नॉमनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड का जब हम नामकरण करते हैं तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो हमें ये ध्यान रखनी है. एरोमेटिक में तीन चीजें होती है, एक होती है ऑर्थो, एक होती है मेटा और तीसरी होती है पैरा. अच्छा, ऑर्थो किसको बोला जाता है? 1-2 पोजिशन. जब भी आपकी जो 1-2 स्थिति होगी, 1-2 पोजिशन होगी, उसको बोला जाएगा ऑर्थो. और इसको शॉर्ट में स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको कहा जाता है ऑर्थो, स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ऐसे ही 1-3 को बोला जाता है मेटा और इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे ही ये जो पी होता है, स्मॉल पी, स्मॉल लिखना है, कैपिटल यूज नहीं करना है, इसको बोला जाता है पैरा और ये अपना हो जाएगा 1-4. अभी 1-2, 1-3 और 1-4 क्या है? इधर देखो, अगर आपका कंपाउंड जो है, जैसे सपोज करो बेंजीन रिंग है. अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? पहले इलैबोरेट कर दिया मैंने, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? बेंजीन रिंग होती है, जिनमें बेंजीन वलय उपस्थित हो. अब 1-3 किसको बोलेंगे? जैसे देखो, सपोज करो आपका जो एक कंपाउंड है, सपोज करो कोई भी कंपाउंड है, एक ही जगह पे कुछ भी, कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है. ठीक है, कोई एक ग्रुप है ए और दूसरा ग्रुप है बी, ग्रुप मतलब समूह. अगर आपके ये समूह 1 और 2 पोजिशन पे हो तो इसको तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्थो और स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, ऐसे ही अगर आपके कोई भी जो ग्रुप है, समूह है, अगर 1 और 3 पे होंगे तो इसको बोला जाएगा मेटा, जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे. और अगर आपका जो जुड़ा हुआ समूह है, ग्रुप है, अगर ये 1 और 4 पे हो इस तरीके से, तो इसको बोला जाएगा पैरा और इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, ये ऑर्थो, मेटा और पैरा है. अब हम आगे इस पे बात कर लेते हैं कि हमें इन कंपाउंड का नॉमनक्लेचर किस तरीके से करना है या इन यौगिकों का नामकरण कैसे करना है. जैसे देखो, सपोज करो यहां पे Cl ऐड कर देते हैं और यहां पे भी Cl. अच्छा, पहले मैं इनको बता देती हूँ ये क्या नेम होता है. बाकी सारे तो हमने कंपाउंड पढ़ रखे हैं, है ना. ऐसे ही जो Cl होता है इसको बोला जाता है क्लोरो. ये सारे आपके अब प्रतिस्थापी के रूप में यूज होंगे. ठीक है, Br को बोला जाएगा ब्रोमो. I को बोला जाएगा आयोडो. F को बोला जाएगा फ्लोरो.
अच्छा, जहां पे भी ओ सी एच थ्री आता है इसको बोला जाएगा मिथॉक्सी। मिथॉक्सी हिंदी में हो जाएगा मेथॉक्सी। OC2H5 इसको बोला जाता है एथॉक्सी। NO2 को बोला जाएगा नाइट्रो। और NH2 इसको बोला जाएगा एमिनो। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ और आएगा तो मैं वहां पे बता दूंगी। अभी ये देखो, इन सब का उपयोग हमें कैसे करना है, प्रतिस्थापी के रूप में। बाकी आपको CH3 का तो पता है, मैथेल होता है, इथाइल मैथिल, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं एलिफैटिक में, तो जरूरत नहीं वापस से। ठीक है, अब देखो 1, 2 इसका नेम क्या हो जाएगा, 1, 2। सेम चीज जब आपकी दो बार आती है, सेम रिपीट होती है, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, डाई। फिर डाई के बाद में क्या आ जाएगा, क्लोरो, और फिर बाद में बेंजीन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1, 2 डाइक्लोरो बेंजीन। ये तो हो गया किसमें, हिंदी में। ऐसे ही इंग्लिश में नेम क्या हो जाएगा इसका, 1, 2 डाइक्लोरो बेंजीन। सेम ऐसे ही 1, 3 वाले को क्या बोला जाएगा, मेटा। तो लिख लो उसका क्या होगा, तो यहां पे और यहां दोनों जगह पे BR लगा है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। सेम इसमें भी वही आपको रूल फॉलो करना है, कौन सा, नंबरिंग वाला, कि आपको नंबरिंग कहां से करनी है, जहां पे जो साइड में जुड़े हुए प्रतिस्थापी है, जो सब्स्टिट्यूट है, इनको कम से कम नंबर मिले। ठीक है, तो 1, 2, 3 नेम क्या हो जाएगा, 1, 3 डाइब्रोमो बेंजीन। एक लास्ट पैरा का कर लेते हैं। तो नेम क्या हो जाएगा, 1, 4 डाइक्लोरो बेंजीन। या फिर पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन डाइब्रोमो। ठीक है, ऐसे इसका क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। और हिंदी में हो जाएगा इसका, तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, इनकी नेमिंग करनी है। यहाँ पे जो रूल्स है वो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है, नंबरिंग। नंबरिंग करते टाइम प्रायोरिटी किसको देंगे, सब्स्टिट्यूट्स को। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, सब्स्टिट्यूट्स प्रतिस्थापी को। प्रतिस्थापी में भी आप लोग क्या ध्यान रखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे 2-4 और अलग अलग कंपाउंड्स देती हूँ, नेमिंग लिख के ट्राई करो, नेमिंग होती है नहीं होती है, सिर्फ बस ये ध्यान रखना, ऑर्थो मेटा और एक ही पैरा।
अच्छा यहाँ पे ना कुछ अब कंपाउंड्स है, जैसे ना डायरेक्ट जैसे हमने इसको बोला ना CH4 है, इसको हमने क्या बोला, मीथेन, इसको मीथेन बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी अलग अलग कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके डायरेक्टली नेम होते हैं, और वो डायरेक्टली आपको नेम लर्न ही करने होंगे। जैसे हमने बोला C2H6 था, तो इसको हमने क्या बोला, इथेन कहते हैं इसको। ऐसे ही ये जब बेंजीन पे बहुत अलग अलग आपके क्या होते हैं, ग्रुप्स जुड़े होते हैं, तो उनका ये क्या हो जाता है, कॉमन नेम हो जाता है, और उसको कॉमन नेम से ही आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम एरोमेटिक के नामकरण करेंगे, नॉमनक्लेचर करेंगे, तो उनमें हमें इनके कॉमन नेम्स, इनके सामान्य नाम हमें यूज करने पड़ेंगे। तो आपको ये डायरेक्टली लर्न करना है। जैसे बेंजीन पे ये जो OCH3 होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, एनिसॉल बोला जाता है। तो आपको ये डायरेक्टली याद करना रहेगा कि इसको एनिसॉल बोलेंगे। तो इस तरीके से कुछ कंपाउंड्स है वो मैं लिख देती हूँ, विच यू हैव टू लर्न। जैसे देखो सबसे फर्स्ट यहां से शुरू करते हैं, अगर आपके बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा होता है, तो इसको कहा जाता है एनिलीन। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली लर्न करना है। अब बाकी कैसे इनका यूज करना है वो हम आगे जब एग्जांपल करेंगे उसमें एलैबोरेट कर दूंगी आपको। तो ये होता है एनिलीन। ऐसे जब बेंजीन पर OH होता है, उसको बोला जाता है फिनॉल। जब बेंजीन पे आपके क्या होता है, CH3 होता है, इसको बोला जाता है टॉलुइन। टॉलविन नहीं है, ये टॉलुइन है। जब आपके पास बेंजीन पर CHO होता है, इसको कहा जाता है बेंजल्डिहाइड। बेंजीन पे NO2, इसको कहा जाता है नाइट्रोबेंजीन। ऐसे ही जब बेंजीन पे आपके क्या होगा, OCH3, इसको बोला जाएगा एनिसॉल। ऐसे ही जब बेंजीन पे आपके क्या होता है, OC2H5, इसको बोला जाता है फेनिटॉल। अच्छा एक बात यहाँ पर और है कि कभी कभी ना इस CH3 की जगह पे हमें ME लिखा मिल जाता है, तो ME का मतलब ही मिथाइल ही होता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए बेंजीन के ऊपर OME, तो ME का मतलब वही है मिथाइल, और इसको हम वही सेम यही बोलेंगे एनिसॉल। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना टॉलोइन, तो O के ऊपर CH3 बनाया, अगर आपको CH3 नहीं मिलके इसके ऊपर खाली ME मिल जाए, तो इसका मतलब इसका नेम क्या है, मिथाइल और टॉलोइन ही होगा। सेम ऐसे ही ये, और ये जो इथाइल होता है ET, इसकी जगह पे आपको ET भी मिल सकता है कभी कभी। जैसे अगर O और ET मिल जाए, तो इसका भी नेम क्या होगा, सेम ही होगा, और वो आपका क्या हो जाएगा, फेनिटॉल। ये कुछ कंपाउंड्स है, नेक्स्ट और है लिखते हैं, ये नोट करो जब तक।
ऐसे ही बेंजीन पे जब आपके कितने 7 हो गए थे, 8 बेंजीन पे जब COOH होता है इसको बोला जाता है बेंजोइक अम्ल। फिर बेंजोइक एसिड, ऐसे ही अगर बेंजीन पर एक्स हो तो इसको बोला जाता है हेलो बेंजीन। अगर बेंजीन पे सीएल होगा इसको बोला जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन नेक्स्ट अगर बेंजीन के ऊपर बीआर हो इसको बोला जाता है ब्रोमोबेंजीन। अगर बेंजीन पे आपके क्या जुड़ा हुआ हो, आई जुड़ा हुआ होगा तो इसको बोला जाएगा आयोडोबेंजीन। सेम ऐसे ही जो बेंजीन पे आपकी लास्ट एक एफ होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, फ्लोरोबेंजीन। ये क्लोरो है और ये वाला फ्लोरो है, ठीक है, फ्लोरो बेंजीन। करो इतना नोट। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं आपको डायरेक्टली लर्न करने हैं। एक बार वापस से इसको देख ले, जैसे बेंजीन पे NH2 होता है तो क्या कहते हैं, एनिलीन। OH होगा तो फिनॉल। अगर यहाँ पे CH3 होगा तो टॉलुइन। CHO होगा तो बेंजाल्डिहाइड। NO2 होगा तो नाइट्रोबेंजीन। OCH3 होगा तो एनिसॉल। अगर OC2H5 होगा तो फेनिटॉल। नेक्स्ट COH होगा तो बेंजोइक अम्ल, हेलोबेंजीन, फिर वही ब्रोमो क्लोरो और वो सब जो था। अब इसके बेसिस पे नॉमेनक्लेचर देखते हैं। जैसे एक कंपाउंड लिखती हूँ, नेम बताओ क्या होगा। अच्छा ये जो प्रायोरिटी है ना आपको कुछ इस तरीके से देनी है। अगर कहीं पे COOH होगा तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको देंगे, प्राथमिकता। फिर इसको देनी है एल्डिहाइड को। फिर उसके बाद में जो आपके कंपाउंड्स थे दूसरे वाले वो आ जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर कहीं पे ये हो, अच्छा एक बात और, जब आप जिसको भी प्रायोरिटी दोगे तो उसका तो हमें क्या यूज करना है, सफिक्स। सफिक्स मतलब अनुलग्न। इनका हम क्या यूज करेंगे,
सफिक्स यूज करेंगे, अनुलग्न यूज करेंगे जब हम इनको प्रायोरिटी देंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे बीआर नहीं होकर के क्या होता, ओएच होता। और एक और मैं सेम देती हूँ, बेंजीन है, इसके ऊपर मैंने ओएच लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बीआर लगा दिया। अब इस केस में इन दोनों के नेमिंग क्या होगी, देखो मैंने आपको बोला बेंजीन के ऊपर जो सीओएच होता है इसको बेंजोइक अम्ल कहते हैं, और अगर ओएच होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। तो अब यहाँ पे फिनॉल यूज नहीं करना है हमें, प्रायोरिटी प्राथमिकता इसको देनी, तो वन टू। और जब आपका ओएच जो होता है ये पूर्व लग्न के रूप में उपयोग होता है, पूर्व लग्न बोल दो या फिर प्रीफिक्स बोल दो, जब ये आपका पूर्व लग्न या प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फिनॉल नहीं आएगा, फिर उस टाइम पे यहाँ पे आएगा हाइड्रोक्सी। क्या यूज करेंगे हम लोग, हाइड्रोक्सी। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, टू हाइड्रोक्सी, और बेंजीन पे सी ओ एच होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, बेंजोइक अम्ल। तो इसका नेम ही हो जाएगा इंग्लिश में क्या हो जाएगा, टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। या फिर आप लोग क्या यूज कर सकते हो, अब वन टू पे तो ऑर्थो आ जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। इंग्लिश में सेम अगेन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सेम ऐसे ही अब इस वाले में क्या है, इसमें ओएच जो है इसको हमें प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, तो इसका अब यहाँ पे हम हाइड्रोक्सी यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, जो बेंजीन के ऊपर ओएच होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, सेम वही वन टू, टू पे अपना कौन जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, टू ब्रोमो, और बेंजीन पे ओएच को कहा जाता है फिनॉल, इसका नेम हो जाएगा टू ब्रोमो फिनॉल हिंदी में, और इंग्लिश में हो जाएगा आपका टू ब्रोमो फिनॉल। और सेम आप वो तो यूज कर ही सकते हो, ऑर्थो वाला जो है वो तो है ही है, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, इनकी नेमिंग करनी है। कुछ और कंपाउंड्स देती हूँ, लिखो इनकी नेम। लिख लिया होगा नेम अभी तक इसका, देखो इजी है, कुछ नहीं है इसमें नंबरिंग, देखो सारी जगह पे आपके बी आर जुड़े हुए हैं, मतलब ब्रोमो। अब आपका चॉइस है आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है, कौन से कार्बन से करनी है, सारे इक्वल कार्बन है, कहीं से भी कर लो। अब इसका नेमिंग लिखने का क्या प्रोसेस है, वही सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट की पोजिशन लिखेंगे कि कितने नंबर कार्बन पर वो जुड़े हुए हैं। तो सेम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सब पे जुड़े हुए। अब सेम चीज जब आपकी देखो टू टाइम्स होती है तो डाई, थ्री टाइम्स होती है तो ट्राई, फोर टेट्रा पेंटा, अगर सिक्स टाइम्स होते हैं तो हम वहाँ पे यूज करते हैं हेक्सा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सा। हेक्सा तो हमने क्यों यूज किया, क्योंकि ये जो चीज है वो आपकी सिक्स टाइम्स है, ठीक है, इसीलिए हेक्सा आ गया। अच्छा अब हेक्सा कौन है, तो बी आर, बी आर को कहते हैं ब्रोमो, तो हेक्सा ब्रोमो। सारे सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी कंप्लीट हो गए, फिर क्या बची, बेंजीन रिंग, तो पीछे क्या आ जाएगा, बेंजीन, समझे। तो इस तरीके से इसका नामकरण करना है, हिंदी में क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हेक्सा
ब्रोमो बेंजीन. सेम ऐसे ही अब इसका देखो, वन टू क्या नेम हो जाएगा, वन टू. सेम चीज जब दो बार होती है तो आपके वहां पे क्या आता है, डाई आता है. तो डाई आयोडो और बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा. सेम इंग्लिश में क्या हो जाएगा, वन टू डाई ब्रोमो आयोडो, डाई आयोडो बेंजीन. अच्छा, वन टू पोजीशन को क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं, अभी बताया था. तो सेम ये भी नेम हो जाएगा, ऑर्थो डाई आयोडो बेंजीन. अच्छा, मैं सेकेंड और थर्ड वाले में देखो एक छोटा सा डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो प्रतिस्थापित जुड़े हुए दोनों के दोनों क्या है, सेम है, समान है, और यहाँ पे जो जुड़े हुए वो दोनों क्या है, अलग अलग है. अच्छा, जब बेंजीन पे जुड़े हुए प्रतिस्थापी अलग अलग हो, तो मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में बताया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको क्या करना है, फॉलो करना है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो का मीनिंग क्या है कि जब आप नंबरिंग करोगे तो जो अल्फाबेट में पहले आता है, जैसे बी, एक पे बी आर जुड़ा है ब्रोमो, एक पे जुड़ा है सी एल क्लोरो, तो अल्फाबेट में सी पहले आता है या बी, बी, तो फिर ब्रोमो से हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग. तो इसमें क्या है, बी से शुरू हो रहा है, ये सी से, तो वन टू, तो इस तरीके से. तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, वन ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेट में बी पहले आता है, टू क्लोरो, फिर अपना क्या बचा, बेंजीन, बस. सेम ऐसे इंग्लिश में हो जाएगा, वन ब्रोमो टू क्लोरो बेंजीन. और अगर आप ऑर्थो की फॉर्म में लिखना चाहो तो टू पे कौन है, क्लोरो है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ऑर्थो की फॉर्म में ऑर्थो क्लोरो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा. बस फिर खाली ब्रोमोबेंजीन लिखना, उसकी पोजीशन जब भी कोई वन पे होता है ना तो उसकी वो लिखने की जरूरत नहीं होती. तो ऑर्थो में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो ब्रोमोबेंजीन. सेम हिंदी में क्या हो जाएगा आपका, यहां लिख देते हैं, ऑर्थो क्लोरो ब्रोमो बेंजीन. नोट करो इतना. कुछ और अलग कंपाउंड्स लेते हैं और नेमिंग का ट्राई करो. ठीक है, नंबरिंग वो आप देखते रहना कितना नंबर है, वन टू ऐसे लगा के कर रहे हो. लिखो नेम, लिखो इसको.
नेमिंग लिखो, आप लोग नेमिंग लिख रहे हो, जब तक इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं कि आपका ये जो बैच है जो स्टार्ट हुआ, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है, प्लस ये RUHS, एम्स, इनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ये, उसके अलावा BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, इन सब के लिए ये बैच इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ये एक बायलिंगुअल बैच है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके नोट्स भी अवेलेबल है, प्लस क्लासेस भी सारी अवेलेबल है। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से प्रतिज्ञा क्लासेस ऐप करके है वो डाउनलोड करना है, और वहाँ पे सारी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बैच की जो स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पे लिखी हुई है 4th of January 2024, प्लस ये जो बैच है 521, बस इतने में अवेलेबल है, बाकी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी, तो आप लोग ले लेना। प्लस इसमें ये सारे देखो, इसमें लिख रखा है रेगुलर नोट्स है, प्लस क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन कोर्स भी है, प्लस एग्जाम पैटर्न जितने भी MCQs होते हैं वो भी सारे अवेलेबल है, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं नेमिंग पर, कंपाउंड्स के नेम्स क्या हो जाएंगे, देखो इधर देखो, अब इसमें क्या है, NH2 जुड़ा हुआ है, एक पे CL जुड़ा हुआ है, और एक पे क्या जुड़ा हुआ है, BR, तो हमें किसको प्रायोरिटी देनी रहेगी, इसको, तो 1, 2, 3, ठीक है। अब बेंजीन पे जो NH2 होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। अच्छा, ब्रोमो B से शुरू हो रहा है, क्लोरो C से, अल्फाबेट में पहले कौन आता है, B आता है, तो हम इसका नेम क्या लिख देंगे, 3-bromo-2-chloro-aniline, ये तो हो जाएगा इसका इंग्लिश में नेम, प्लस हिंदी में क्या नेम हो जाएगा इसका, 3-bromo-2-chloro-aniline, ठीक है। अच्छा, आपको ऑर्थो मेटा पैरा जो है जबरदस्ती कहीं पे भी लगाने का ट्राई नहीं करना है कि आपको 2, 3, 4 सब पे दिख रहा है ऑर्थो मेटा पैरा जबरदस्ती लगा दो, आपको जब वहाँ पे आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है, ऑर्थो की 1 और 2 पे सब्स्टिट्यूट है तो ही आपका ऑर्थो आएगा, अगर 1 और 3 पे सब्स्टिट्यूट है तो ही वहाँ पे क्या आएगा, मेटा, और 1 और 4 पे है तो ही पैरा आएगा, जबरदस्ती आपको ऑर्थो मेटा पैरा वहाँ पे फिट इन करने की जरूरत नहीं है। सेम ऐसे देखो मिथॉक्सी, और ये कौन है, एफ फ्लोरो। अच्छा, जब बेंजीन के ऊपर OCH3 होता है तो उसको क्या कहा जाता है, एनिसोल कहा जाता है, ये लास्ट हमने किया था, एक बार बता देती हूँ, जब बेंजीन पे होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनिसोल, यही वहां पे यूज करना है, कर लो। तो आपको ये जो जितने भी कंपाउंड्स दे रखे ये डायरेक्टली आपको लर्न करने हैं, अगर आपको इनके नेम्स लर्न नहीं है तो फिर नंबरिंग या फिर उनकी नेमिंग करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लिखो इसका नेम क्या हो जाएगा, सेम अगेन फ्लोरो, और ये अपना कौन है, मिथॉक्सी है, लिख लो इसका नेम क्या हो जाएगा, या तो ये लिख लो ऑर्थो फ्लोरो एनिसोल। अच्छा, अगर आपको एनिसोल नहीं लिखना है, एनिसोल लिखने में आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर आप क्या करो, इसको अगर बेंजीन की फॉर्म में आपको इसका नेम लिखना है तो क्या लिख लोगे, बेंजीन की फॉर्म में इसका नेम क्या हो जाएगा, देखो फ्लोरो F, और ये कौन है, मिथॉक्सी M, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1-fluoro-2-methoxy, और फिर क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा। सेम ऐसे ही अब इसमें कर लो, 1, 2 कहीं से भी करो, तो पहले देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से करती हूँ ना तो 1 पे C आ रहा है, लेकिन यहाँ पे करने पे B आ रहा है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से। सेम नेम लिख लो क्या हो जाएगा, 1-3-dibromo-2-4-dichloro-benzene, और इंग्लिश में क्या नेम हो जाएगा, सेम 1-3-dibromo-2-4-dichloro बेंजीन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, इनकी नेमिंग करनी है। तो ये सारा जो नॉमेनक्लेचर है वो तो आपका किसका हो गया,
एरोमेटिक का हो गया, प्लस एलिफेटिक का नॉमेनक्लेचर या नामकरण कैसे करना है, वो जो लास्ट आपके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनाई है उसमें सारा, आपकी 5 क्लासेस अभी तक हो गई है, ये 6th क्लास है आपकी, ठीक है, वो सारी देखोगे तो आपकी आईयूपीएससी उसमें जितने भी जहाँ भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर जहाँ पे केमिस्ट्री का रोल वहाँ पे प्ले हो रहा है तो वहाँ पे आपको आईयूपीएससी मस्ट है, क्योंकि कंपाउंड्स का अगर नेम ही नहीं आएगा तो आगे तो केमिस्ट्री भूल ही जाओगे, लिखेंगे कैसे। तो आईयूपीएससी ये तो बेसिक है केमिस्ट्री का, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आप देख लेना। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे रह गए हैं जिनका हमें बहुत कम चांस है कि आईयूपीएससी नेम पूछा नहीं जाता है, बट बाय द वे अगर पूछ ले तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आईयूपीएससी यहीं पे टॉपिक क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अब देखो ना, कुछ कंपाउंड्स आपको ऐसे मिल जाता है, ये कुछ ऐसे दे दिया आपको, बोलेंगे इनका क्या लिखो, आईयूपीएससी नेम लिखो, ये कुछ ऐसे कंपाउंड दे दिया आपको और आपको बोल देंगे इनके आईयूपीएससी नेम लिखो। अब आप बोलोगे इसमें तो ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है, बस खाली लाइंस बना रखी है, तो नेम कैसे लिखे। तो इनका नेमिंग लिखने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, देखो इधर। जब भी आप लोग ऐसे कंपाउंड की नेमिंग करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बीच में सेंटर में होते हैं ये वाले जो क्लोज ये होते हैं ना, इनको तो कंसिडर किया जाता है CH2, क्या कंसिडर किया जाएगा, CH2। और जो भी आपके ये ओपन वाले होते हैं ये, इनको कंसीडर किया जाता है CH3। CH3 मतलब क्या कंसीडर किया जाएगा, मिथाइल, इनको कंसीडर किया जाता है CH3 कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब ये लिखा है तो सारा अरेंज कर दो, देखो जहां जहां पे ये था ना, तो CH3 फिर CH2 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 अगेन CH2 और फिर CH3। तो अपने पास कंपाउंड क्या आ गया, ये आ गया सिंपल कंपाउंड, मैंने दिया क्या था ये, आपको इसका नेम लिखना था। अब देखो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। अच्छा कार्बन जब 6 होते तो क्या आता है, हेक्स आता है, इन सब के बीच में मुझे तो सिंगल बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है, तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो पीछे क्या आएगा, एन आएगा, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। मतलब आपको जो ये कंपाउंड दे रखा था, लाइंस दे रखी थी, इस लाइंस का नेम क्या था, हेक्सेन नेम था, है ना। अब अगर मैं यही कंपाउंड आपको सिंपल देती इस तरीके से, तो आप जल्दी से मुझे इसका नेम बता देते कि ये क्या आपके पास, हेक्सेन है। तो ये और ये दोनों क्या है, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, सेम है, समझ में आई बात। ऐसे इसका नेम लिखो, देखो ओपन पार्ट है मतलब क्या है, CH3, क्लोज बीच में है मतलब क्या है, CH2, सेम अगेन CH3, नंबरिंग कर लो, 1 2 3। कार्बन 3 होते तो क्या आता है, प्रॉप, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनकी आपको नेमिंग कभी कभार पूछ ली जाती है, बाय द वे। तो क्योंकि हम लोगों ने आईयूपीएससी टॉपिक स्टार्ट किया है तो हम इसमें कोई भी नेम ऐसा नहीं छोड़ते हैं कि जो आईयूपीएससी में अपना कवर अप नहीं हुआ हो। ऐसे ही 2-4 और कंपाउंड्स देती हूँ, ट्राई करो लिखने का नेम। लिखो इनके नेम लिखो, लिखो और ट्राई करो नेमिंग का। बस ध्यान इतना रखना, क्लोज वाले पे CH2 और ओपन वाले पे CH3 लगाना है आपको। देखो इधर नेमिंग करोगे तो क्या करना है, क्लोज वाले पे तो CH2 लगाना है, लगा लो, मतलब यहाँ पे तो C आ जाएगा, ठीक है, और ओपन वाले पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। अब आप लोग इजीली नेम लिख लोगे इसका, ओपन जहां पे भी है सब जगह क्या लगा लेना है आपको, CH3 लगा लेना है। स्ट्रक्चर क्या था, ये था स्टार्टिंग में। अब देखो नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे, वही आपको क्या करना है, लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, कर लो लॉन्ग कार्बन चेन, मतलब
ये सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग करो 1 2 3, ये मिथाइल एम सेम अगेन, ये क्या है मिथाइल, नेम क्या हो जाएगा 2,2-डाइमिथाइल, मेन कार्बन चेन 3 कार्बन की है तो क्या आ जाएगा प्रॉप, और सारे सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे, सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ जाएगा एन, तो नेम क्या हो जाएगा प्रोपेन। ये तो हो गया आपका इंग्लिश में नेम, सेम इसका हिंदी में क्या नेम हो जाएगा 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये पूरा आपको इलेबरेट किया था, जब सेकंड लास्ट पे 2 मिथाइल होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, नियो बोला जाता है, नियो, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या हो जाएगा नियो पेंटेन। ये तो हो गया हिंदी में नियो पेंटेन। ये सारा पीछे वाली क्लासेस में इलेबरेट किया गया है, कुछ भी नई चीज नहीं है, अगर आप लोग वो वीडियोज वहां से देखोगे तो इजीली इसका नेम लिख पाओगे, ठीक है। इंग्लिश में ये हो जाएगा आपका नियो पेंटेन। सेम अब ये वाला कर लो, देखो जहां ओपन पार्ट है वहां पे तो क्या लगाना है CH3 लगाना है, क्लोज वाले पे CH2 लगाना है, तो मैं यहाँ पे CH2 लगा रही हूँ, ओपन वाले पे CH3, सेम नीचे आ जाओ, क्लोज पार्ट CH2, ओपन पार्ट CH3, सेम CH2 CH3, यहाँ पे फिर वापस आओ, क्लोज जहाँ जहाँ है वहाँ पे क्या लगाना है CH2 लगाना है, और ओपन वाले पे क्या लगाना है CH3 लगाना है, बस फिर कंपाउंड लिख पाओगे इजीली। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या स्टेप है अपना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट कर लो, जो भी आपको एक करनी है, ये वाली कर ली हमने, ठीक है। नंबरिंग कर लो, 1, 2, 3 पे आएगा, यहाँ से करेंगे तो भी क्या आएगा 3 पे, आपकी चॉइस है कहाँ से करनी है। अब एक तो सब्सटीट्यूट है, ये इथाइल है, ई से शुरू होगा, और ये भी अपना कौन है इथाइल, ई से शुरू होगा, नेम क्या हो जाएगा इसका 3 पे ही है दोनों, तो 3,3-डाइएथिल, मेन कार्बन चेन कितने कार्बन की है 5 कार्बन की, तो क्या आ जाएगा पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है, एकल बंद है, तो क्या आ जाएगा पेंटेन। ये तो हो गया हिंदी में नेम, सेम इंग्लिश में क्या हो जाएगा 3,3-डाइमिथाइल पेंटेन। अब नेक्स्ट और लास्ट है ये वाला, थर्ड वाला लिखो इसका नेम, ट्राई करो ऐसे ही लिखना है, कर लेते थर्ड वाले का नेम, क्या था थर्ड वाला कंपाउंड, सेम कैसे लिखना है, ओपन जहां पे भी है वहां पे तो CH3 आएगा, और क्लोज वाले पे क्या आएगा CH2 आएगा, तो यहां से सेंटर से शुरू करते हैं, ठीक है। ये कार्बन, ओपन वाला पार्ट मतलब CH3, क्लोज मतलब CH2, अगेन ओपन CH3, क्लोज CH2, ओपन 1 CH3, एंड हियर आल्सो CH3, यही कंपाउंड है। नेमिंग लिख लो, क्या कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं, कर लो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, नंबरिंग कहीं से भी करो 3 पे आएंगे। अब ये अपना मिथाइल, और ये भी कौन है मिथाइल है, मेथिल है, एम से शुरू होगा, तो नेम लिख लो इसका, नेम क्या हो जाएगा 3,3-डाइमिथाइल, और मेन कार्बन चेन 5 की है तो पेंटेन। सेम इंग्लिश में क्या हो जाएगा 3,3-डाइमिथाइल पेंटेन। तो इस तरीके से आपको इनकी नेमिंग करनी है, करो जल्दी से। अब अगर मैं इसी को एरोमेटिक के साथ में इंक्लूड कर लूं तो क्या नेम होगा बताओ जल्दी से, अगर मैं कोई कंपाउंड इस तरीके से लिखा है, ठीक है, लिखो इसका नेम बताओ, और एक इसका बताओ, बस ये कंपाउंड है, बताओ इनका नेम, ये जीजस वाला साइन नहीं बनाया है, सारे अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, नेम लिखो इनके, एक बताती हूँ इन दोनों में से, फिर सेकंड वाले का लिखना आप लोग। देखो जहां पे क्लोज है वहां पे तो क्या आएगा अपना, देखो मतलब यहां सी आ जाएगा, ओपन जितने भी जहां पर है वहां पे सब जगह पे क्या आएंगे CH3 आएंगे, CH3
अगेन सीएच3, और ये भी कौन है? सीएच3। अब मुझे जहां तक याद है मैंने लास्ट वीडियोस में इसको एक्सप्लेन करा है कि इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, तो इस कंपाउंड को कहा जाता है टर्शरी ब्यूटाइल, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, हिंदी में क्या हो जाएगा? तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। तृतीयक क्यों लिखा, 3 डिग्री क्यों लिखा? क्योंकि जो कार्बन है मेन हमारे पास, वो आगे कितने से, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन आगे कितने मिथाइल से जुड़ा हुआ है? 3 मिथाइल से, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3 डिग्री या फिर टर्शरी ब्यूटाइल। सेम ऐसे इसका नेम लिखो, देखो क्लोज है तो क्लोज वाले पे तो सी, और साइड वाले जो है इन पे क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। अच्छा आप कुछ सोच रहे होंगे कार्बन की तो 3 ही हुई, तो एक यहाँ पे कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। सेम इसको बोला जाता है आइसोप्रोपाइल, क्या बोला जाता है? आइसोप्रोपाइल, हिंदी में हो जाएगा प्रोपिल और इंग्लिश में हो जाएगा प्रोपाइल, तो आइसोप्रोपिल बेंजीन, और इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अच्छा एक ना ये कंपाउंड आप लोगों को याद रहे तो याद रख लेना, अदरवाइज नेसेसरी जब कंपाउंड आएगा तब बात कर लेंगे, लेकिन फिर भी याद रहता है तो ध्यान रखना। इसका जो सामान्य नाम होता है वो होता है क्यूमीन, क्यूमीन बोला जाता है इसको। याद रहता है तो अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है, वरना जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब आपको याद रखना ही पड़ेगा, इससे अच्छा अभी याद कर लो। कुछ और कंपाउंड दे देती हूँ फिर आईयूपीएसी खत्म करते हैं, इससे ज्यादा आईयूपीएसी में कुछ है नहीं, क्योंकि हमने एलिफेटिक वाले सारे कर लिए, एरोमेटिक कर लिए, प्लस उसके अलावा जितने भी लीनियर जितने भी थे वो भी सारे एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब सारे अलग अलग आप डिफरेंट वो डीपीपी वगैरह सॉल्व कर लेना, और उसके लिए मैंने कोर्स की जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको पहले ही दे दी है, ठीक है। एक बार वापस से बता देती हूँ, देख लो, बस सिंपल स्टेप है, क्या करना है? सिंपल स्टेप फॉलो करना है आपको। ओपन प्ले स्टोर, देन डाउनलोड द ऐप प्रतिज्ञा क्लासेस। और उसके बाद में आपको इन सब की क्या मिल जाएगी? डिफरेंट वहां पे सबकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, सब्जेक्ट वाइज सारा वहां पे ऑलरेडी गिवन है। कुछ कंपाउंड्स और दे देती हूँ और इनके नेमिंग कर लो आप लोग। लिखो इनकी नेमिंग, लिखो सारे ये कंपाउंड्स हैं, इनके आईयूपीएसी नाम आपको लिखना है, लिखो जल्दी से।
सिंपल हिंट क्या है, जहां पे भी क्लोज है वहां पे CH2 और ओपन वाले पे CH रिपोर्ट करना है, देन यू जस्ट फॉलो योर प्रोसेस, जितनी भी जो भी रूल्स है वो फॉलो करने बस, और वो फॉलो करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो एक दो एग्जांपल्स मैं करती हूँ, बाकी आप लोग करते रहना। क्या लिख लेंगे, ओपन वाला है मतलब CH3, क्लोज पे क्या आएगा CH2, CH3, सिंपल 1 2 3 सिंपल है, क्या नेम हो जाएगा प्रोपेन। सेम ऐसे इसमें क्या CH3, अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, नेमिंग कर लो, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। जब कार्बन अपने पास 7 होते हैं तो वहां पे क्या आता है हेप्ट आता है, सारे सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आ जाएगा एन, तो क्या नेम हो जाएगा हेप्टेन। सेम इसका करो, ओपन मतलब CH3, क्लोज मतलब क्या आ जाएगा CH2। नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कार्बन 9 होते तो क्या आता है नॉन आता है, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो हो जाएगा नॉन एन, और इंग्लिश में आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लास्ट इसका है, बता दो जल्दी से, CH3 CH2, तो 5 कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5, जब 5 कार्बन होते तो क्या आता है पेंट, और सारा सिंगल बॉन्ड है इसलिए पीछे क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, पेंटीन। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो IUPAC वाला टॉपिक है अब यहाँ पे खत्म करते हैं। टोटल हमारी 6 क्लासेस है IUPAC पे, जिसमें एलिफेटिक, एरोमेटिक और लीनियर और जितने भी कंपाउंड्स बन सकते हैं, जिनके भी IUPAC आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, वो सारा मैंने एलेबरेट किया, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। और फिर जो अब नेक्स्ट है, कल से हम लोग RUHS और एम्स, इन दोनों के लिए तो नेसेसरी या इम्पॉर्टेंट है ही है, उसके अलावा जो आपको मैंने स्टार्टिंग में आपको दी थी इन्फॉर्मेशन, पैरामेडिकल एंट्रेंस और जो भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके हिसाब से, उनको ध्यान में रख के इस बैच को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। ठीक है, अब जो कल नेक्स्ट है, हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन करके आपके टॉपिक होगा, सिलेबस ओपन करोगे तो आपको उसमें मिलेगा, वो स्टार्ट करेंगे। तो बाकी कल करेंगे।